हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहारीज किचन। चलिए आज हम लोग बनाते हैं स्प्रिंग रोल, जो घर में बनाना बहुत ही इजी है और बहुत आराम से आप बना सकते हैं। उसके लिए देखिए, हम लोग घोल तैयार करेंगे। जो छोटी कटोरी से मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और उसी कटोरी से एक कटोरी मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। दोनों इक्वल ही क्वान्टिटी में रहेगा और मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हम उसको पानी डाल करके बहुत पतला घोल बना लेंगे, बिल्कुल पानी की तरह। ये घर में बनाना बहुत इजी है। आप तुरंत बस सामान इकट्ठा सामान रहना चाहिए, उसके बाद आपको ये तुरंत बन जाएगा। बस बनाने भर का देरी है। अब बहुत इजी है, इसका पेपर सीट बनाना बहुत ही इजी है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग पतला ही घोल लेंगे। इसमें लम्ब्स नहीं रहना चाहिए, कहीं गांठें नहीं रहना चाहिए, गुठली नहीं रहना चाहिए। बस इसको हम लोग बहुत स्मूथ घोल लेंगे और उसके बाद हम लोग पानी डाल लेंगे अच्छी तरह से। मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से रहना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम लोग ये सब्जी ले लिए हैं, आपके घर में जो सब्जी हो वही ले लीजिए। मैंने बंधा गोभी ले लिया है, गाजर ले लिया है, अदरक है, लहसुन है, मिर्च है और प्याज है। इसका हम लोग फिलिंग बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है। इसको गर्म होने देते हैं, क्योंकि गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग हरी मिर्च, अदरक डालेंगे और लहसुन डालेंगे, सब साथ में ही डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग फ्राई करेंगे। फिलिंग आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, आप चाउमीन का भी डाल सकते हैं, नूडल्स का, सब और सब अच्छा लगता है। तो मेरे घर में जो था हम उसी का बना रहे हैं। इसमें आप बीन्स डाल दीजिए, इसमें कैबेज डाल दीजिए, गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, आपको जो चीज़ डालना है, जिस चीज़ का बनाना चाहते हैं उस चीज़ का बना के डालिए, बनाइए। तब देखिए, लहसुन अदरक मेरा लाल हो चुका है, तो हम लोग प्याज थोड़ा सा डाल के भूंज लेंगे। इसको ज़्यादा अति लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा भूंज लेंगे, उसके बाद आगे का थी सब्जी डालेंगे। देखिए, प्याज हो चुका है, बस इतना ही करना है। अब हम लोग गाजर और बंधा गोभी हम लोग सब डाल करके साथ में भूंजेंगे। इसको हम लोग थोड़ी देर भूंजेंगे। देखिए, मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, बस थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम, और नमक, नमक मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि ये सब्जी अभी गलेगा। देखिए, पानी इसका सूख चुका है, उसी में हम लोग बस एक चम्मच चिली सॉस मैंने डाल दिया है। अब मैंने दो चम्मच के करीब मैंने टोमेटो केचप मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास सिजवान चटनी है आप वो भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ी देर भूंज के इसका पानी सुखा देंगे, उसके बाद हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। तो ये हम लोग का फिलिंग रेडी हो गया है, अब हम लोग इसको साइड कर देते हैं। अब चलिए, उसके लिए हम लोग पेपर बनाते हैं। तो उसके लिए आपकी कोई भी नॉन स्टिक कढ़ाई, चाहे पैन ले लीजिए, तवा ले लीजिए, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। बस इसमें हम थोड़ा सा बस ऑयल लगा दिए हैं, आपको वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको गर्म होने देते हैं, गैस फ्लेम एकदम लो रहेगा। बस इसको डाल करके अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दीजिए और जितना बचा है उसको निकाल लीजिए। अब इसको गैस पे इसको छोड़ दीजिए, वो जैसे जैसे गर्म होगा वो वैसे वैसे खुद छोड़ देगा, वो धीरे धीरे उखड़ने लगे, खुद से वो उसका पेपर जैसे निकलने लगेगा। इसको थोड़ी देर रखना होता है, वो जब छोड़ने लगे तो साइड से वो दिखता है वो कि छूट रहा है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, लेकिन खुद पे खुद अलग हो जाता है। देखिए, इस तरह से हट रहा है ना, वो पूरा धीरे धीरे हट जाएगा।
ये हो चुका है, उसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम लोग इसको साफ़ कर लेते हैं, फर्स्ट पहला था इसलिए इस तरह हुआ। अब साफ़ करके हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे। अब देखिए कोई इस तरह से पेपर शीट निकल जाता है। अब हम लोग बीच में इसको इस तरह से रखेंगे, साइड से टूट गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब अंदर में चल जाएगा। ये देखिए किनारे किनारे से पहले इस तरह से फोल्ड करना है। अब बीच से इसको टाइटली रोल कर देना है ताकि ये बाद में खुले नहीं। देखिए इस तरह से वो बन गया है। अब हम लोग अगला अथी दिखाते हैं, पेपर किस तरह से बनाती हूँ मैं। देखिए अगला भी बन गया है इस तरह से, देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल चुका है। देखिए इसका भी किनारे किनारे पंच हो रहा है ये। देखिए इस तरह से छूट जाता है ये। देखिए इसको भी मैंने निकाल लिया, देखिए कितना पतला है और खाने में वैसे ही क्रिस्पी होता है छनने के बाद। तो अब हम लोग इसको वैसी फिलिंग इसका अंदर डाल देंगे, वेजिटेबल डाल देंगे और रोल कर लेंगे। साइड से रोल कर लेंगे। आप इसमें अगर आप चाहें तो पानी लगा के आप इसको रोल कर सकते, नहीं खुलेगा, लेकिन ये अभी अंदर से हल्का गीला है तो इसलिए हम गरम गरम रोल कर दे रहे ताकि खुले ना। इसी तरह से हम लोग सारा बना लेंगे। मैं उसी पैन में मैंने रिफाइन ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, जो कि गर्म हो चुका है, और उसमें हम लोग धीरे धीरे करके सारा रिंग्स को हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसमें जगह हम लोग थोड़ा सा और डाल लेंगे, जितना अट जाए उतना ही डालिए। इसे तो हम लोग घुमा घुमा करके इसको पलट लेंगे, ये हल्का गुलाबी हो जाए उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। सीधे करके हम लोग सारा फ्राई कर लेंगे। ये सुन के इसकी आवाज़ कितनी क्रंच बनी है, कुरकुरी है। अब हम लोग इसको आधा बीच से काट लेंगे और हम लोग सर्व कर लेंगे।
मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।